इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये प्रॉब्लम मुझे सोल्व करनी है, मैंने पहले ही बता दिया कल आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा, इस जो आपका ये कॉन्स्टेंट है फोर, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊ इस तरह से, ये पहली स्टेप। 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम ले लूंगा x माइनस 2, तो ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करूं, 2x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 8 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2x प्लस 11 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे इस माइनस को हटाओगे या मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो गया आपका बेटा 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सबको क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया। भाई 10 जने है, मतलब 4 जने हैं, 4 में एक कंगना है, दूसरा दर्शित ठीक है, तीसरा ज्योति, 3 चिरायु साथ में है क्या अक्सर आर्यंस? यस सर। ठीक है चलो, तो ये आ गया 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं नंबर लाइन पे आ जाऊंगा, जैसे मैं नंबर लाइन पे आया देखो, ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? ऊपर वाला वैल्यू 0 कब हो रहा है? 11/2 प्लस 11 प्लस 11/2। नीचे वाला वैल्यू 0 हो रहा है 2 पर, इधर से प्लस माइनस प्लस, प्लस चाहिए माइनस चाहिए? माइनस माइनस चाहिए, माइनस 2 से लेकर 11/2। 2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ओ सर, तो इसका आंसर आ गया देखो, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 11/2, या ऐसा बोल लेंगे 2 पर छोटा ब्रैकेट और 11/2 पर बड़ा ब्रैकेट। क्या ये समझ में आया आंसर बेटा पीयूष और ये अक्षर ध्रुव, सबको समझ में आया ये आंसर? नो सर। हैं, नहीं आया? नहीं सर। किसको नहीं आया बेटा बोल? सर ये नंबर लाइन पे माइनस क्यों चाहिए ये समझ में नहीं आया। ये लो, चलो ये हटा दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? नो सर। चलो अब वापस नंबर लाइन पे आ जाओ, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट, ऊपर वाला वैल्यू 0 11/2 पे आ रहा है, नीचे वाला वैल्यू 0 2 पे आ रहा है, इधर से हमेशा प्लस माइनस प्लस चलता, प्लस माइनस प्लस। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये क्या लिख रहा है बेटा? सर लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है? हाँ ठीक है सर। और 2 इसलिए इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि नीचे आ रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 11/2, या इसको बोले हैं x बिलोंग्स टू 2 कॉमा 11/2। अब क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं वापस से, ऐसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करते हैं।
So 3x plus 7 upon x minus 3 less than equal to 5. इसको मुझे सोल्व करना है. तरीका वही है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है. बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हुए आना है, एलसीएम लेना है. 3x plus 7 x minus 3 सोल्व करना है. 3x plus 7 minus 5x plus 15 यह आ गया आपका minus 2x plus 22 upon x minus 3. minus 2 common आ गया. यह आ गया x minus 11 minus 2 divided by minus 2. माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पर आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये 0 हो रहा है 11 पर, ये 0 हो रहा है 3 पर. प्लस माइनस प्लस, प्लस चाहिए माइनस चाहिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस चाहिए बताओ, माइनस कौन चाहिए? ये क्या लिख रहा है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव. तो प्लस चाहिए माइनस चाहिए बेटा? अब दोबारा बोलो. प्लस. अब देखो प्लस आ रहा है, बस 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अपॉन में आ रहा है. तो मैं आपसे बोलूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3, ये इंक्लूड नहीं होगा. यूनियन 11 इंक्लूड होगा अप टू इनफाइनाइट. ये इसका आपका फाइनल आंसर है, माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 11 टू इनफाइनाइट. क्या ये समझ में आया? यस सर. किसी को डाउट है इस तरह की प्रॉब्लम में बेटा? नो सर. नो सर. आपको क्लियर है? नो सर. चलिए और देखिए, एक और कर लेते हैं लास्ट प्रॉब्लम और फिर उसके बाद आगे अगले टॉपिक पर आते हैं. सोल 4x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2 तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको. ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हम करते आ रहे. माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पे आ जाएंगे, ये नंबर लाइन पे आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर है यहां तक? नंबर लाइन अब इसको सॉल्व कर लीजिए. यह आ गया आपका 8x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऊपर क्या बचा बेटा, ध्यान से देखो, x प्लस 19 नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 5. आप इस 2 को हटा सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हटा सकते हो. नंबर लाइन पे आ जाओ, ऊपर वाला आ रहा है माइनस 19, नीचे आ रहा है आपका 5 बाई 7. प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए? प्लस. प्लस चाहिए. तो प्लस चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट, तो x belongs to minus infinite to minus 19 आएगा, 5 by 7 नहीं आएगा, up to infinite. क्या सबको क्लियर है ये? Yes, sir.
तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, इजी पार्ट है, ऐसा कोई दिक्कत वाली पार्ट नहीं है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं। फिर एक मॉडुलस इनइक्वालिटी और बचेगी, वो हम बाद में करवाएंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आपको बाद में करवाएंगे, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लिखिए अब वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स देखो, वर्ड प्रॉब्लम दो तीन टाइप की प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझना कि किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय A student of class 11th in first and second terminal examination hour (62 and 48) respectively. Find the number of minimum marks he should get in the final examination, in the annual examination. to have an average of at least 60 marks. तो एवरेज आपका कम से कम 60 मार्क्स का होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि बेटा उसने एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। Let student obtain X marks in annual exams. So according to problem, पहले में किए 62, दूसरे के में किए 48, एनुअल में किए X और उनका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए भाई तीन हो गए तो 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालना है तो 62 प्लस 48 प्लस X डिवाइड बाय 3। नाउ दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट, कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए बेटा? कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एटलीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए। तो 62 प्लस 48 प्लस X डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये चीज समझ में आई बेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वाली? यस सर। तीनों का एवरेज निकाल लिया और कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे ज्यादा ही आने चाहिए, या तो 60 आए या 60 से ज्यादा है। अब क्योंकि अपॉन में कांस्टेंट है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कांस्टेंट से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कितना हो गया, 110 हो गया मेरे हिसाब से प्लस X, और इधर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो X का वैल्यू बेटा 70 और 70 से ज्यादा आ गया।
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फाइनल एग्जाम में कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? 70 मार्क्स आने चाहिए. सो स्टूडेंट, सो देयरफॉर स्टूडेंट मस्ट गेट, स्टूडेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 70 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स. इन फाइनल एग्जाम्स स्टूडेंट के कम से कम 70 मार्क्स आने चाहिए फाइनल एग्जाम. क्या बेटा ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? यस सर. यस सर. किसी को डाउट है? यस. नो सर. चलिए आगे चलते बेटा. तो स्टूडेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 70 मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब मैं यहां पर बेटा पेयर ऑफ, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंजुगेटिव, कंजुगेटिव और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच are larger than 10 and their sum is less than 40 and their sum is less than 40. तो हमें पेयर, पेयर क्या होता है? देखो पेयर का मतलब क्या है? ओड पेयर का मतलब है कंजुगेटिव, मतलब जैसे पहला 3 है तो दूसरा 5 आएगा, या 5 है तो 7 आएगा, 7 है तो 9 आएगा. ये पेयर के लगते हैं, मतलब लगातार दो नंबर मतलब पेयर, 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, ये पेयर. तो मैं पेयर कैसे मानूंगा? कभी भी ओड मानना हो या इवन मानना है तो आप ऐसे मानेंगे, लेट द पेयर हो conjugative odd natural numbers are odd natural numbers are x and x plus 2. ये conjugative odd natural numbers आ गए हमारे x and x plus 2. एक आपका आ गया x और एक आ गया x plus 2. x and x plus 2 ये हमारे conjugative odd natural numbers आ गए. अब देखो इसने क्या बोला है, पहला नंबर x है तो दूसरा x प्लस टू है, कंजुगेटिव ओड. जैसे ये 3 है तो 3 प्लस टू 5 आ गया. दो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड x प्लस टू इज ग्रेटर देन 10. तो x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन 8. बेटा ये बोल रहा है x का वैल्यू 10 से भी ज्यादा और 8 से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू किससे ज्यादा है? अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ x का वैल्यू 10 से भी ज्यादा और 8 से भी ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है? 10 से. तो ये हमारी पहली इनइक्वेशन आ गई कि x इज ग्रेटर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम x x प्लस 2 लेस देन 40. तो ये आ गया 2x, 2 उधर जाएगा तो 38, x का वैल्यू बेटा 19 से कम आ, 2x ही लेस देन 38, तो x का वैल्यू 19 से कम आ गया. यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. अब बेटा फर्स्ट और सेकंड से हमारा आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x का वैल्यू 10 से ज्यादा है और 19 से कम है. x का वैल्यू 10 से ज्यादा है और 19 से कम. तो बेटा 10 और 19 के बीच में जितने भी नंबर है वो सब लिख लेंगे, जो जो आएगा कौन से ओड नंबर. सो x इक्वल टू 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा. क्या सही है?
x का वैल्यू 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, भाई 10 और 19 के बीच में और नेचुरल नंबर्स, तो 10 और 19 के बीच में और नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे बेटा, 11, 13, 15, 17. अब मुझे x प्लस 2 भी निकालना है, तो x प्लस 2 हो गया बेटा 11 होगा तो 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा. So there are four pairs of odd natural numbers are. पहला पेयर 11, 13, 15, 17, 19. These are the pairs of odd natural numbers. ये हमारे चार पेयर आएंगे बेटा odd natural numbers. क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई सबको? यस सर. किसी को डाउट है? नो सर. किसी को डाउट है? नो सर. तो ये हमारा पेयर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आ गए बेटा, 11, 13, 15. हाँ बेटा बोलो सर. लास्ट वाला पेयर नहीं आएगा सर? लास्ट वाला कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? 19 इंक्लूड नहीं है ना सर? 19 से तो छोटा आना चाहिए. अरे मेरे भैया x प्लस 2 है 19, x थोड़ी है 19. अरे दोनों एक मिनट मैं कंडीशन समझाता हूँ. दोनों लार्जर देन 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. दोनों का सम 40 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. बेटा आएगा, मैं x की बात बोल रहा हूँ, x 19 से कम आना चाहिए, x प्लस 2 नहीं बोला मैंने. ठीक है सर. x का वैल्यू 10 और 19 के बीच में आएगा. मैंने x प्लस 2 कब बोला कि नहीं 10 और 19 के बीच में? मैं तो x के लिए बोल रहा हूँ. यदि x आपका 10 और 19 के बीच में ये है तो x प्लस 2 ये आएगा. मैंने x प्लस 2 नहीं बोला 10 और 19 के बीच में आएगा. आगे मेरी बात समझ में? यस सर. यस यस सर. सबको क्लियर है अब? ठीक है चलो एक और करते हैं, इस टाइप का एक और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंजुगेटिंग इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. Conjugative even positive integers. Both of which are larger than 8. Larger than 8. And their sum is less than, and their sum is less than 31, और उनका सम लेस देन 31 होना चाहिए. अब आपको कंजुगेटिव, वापस से कंजुगेटिव भी वही मान सकते हो. लेट द कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 2. Now both of which are larger than 8. So x is greater than 8 and x plus 2 is greater than 8. X is greater than 8 and x is greater than 6. So therefore x is greater than 8. ये हमारी first inequality हो. इसमें कोई doubt? इसमें कोई doubt किसी को? No sir. No sir. अब दोनों का सम किससे कम आ रहा है बेटा? 31 से कम आ रहा है. तो x x plus 2 is less than 31, 2x is less than 29. तो x is less than 29 by 2, 14.5. 14.5
14.5, यहाँ तो कोई दिक्कत तो x no, is sir. from first and second x का वैल्यू 8 से ज्यादा 14.5 से कम, तो बेटा ये 8 से ज्यादा पहला इवन नंबर आएगा 10, 12 और 14 भी आएगा बेटा, 10, 12, 14, कोई दिक्कत? नो सर. ये आया समझ में? यस सर. 8 से ज्यादा और 14.5 से कम, तो 10 आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा. अब यदि 10, 12 तो x plus 2 क्या आएगा? अब इसको नहीं देखना बेटा कंडीशन में, बस 12, 14 और 16. अब ये नहीं बोलोगे सर ये 16 आ गया ना, इसको देखना बस. So therefore pairs of conjugative even integers are, conjugative even integers are 10, 12, 14, 14, 16. कोई दिक्कत? आ गया समझ में बेटा? यस सर. तो ये इसके कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लो. क्लियर बेटा? क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए नेक्स्ट. अब आपको क्या है, मैं एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ 6.1 की. जितनी वर्ड प्रॉब्लम है ना, तीन चार, वो सारी करनी है आपको. वो सब मैंने करवा दी अभी इस टाइप की, ठीक है, उस टाइप की मैंने प्रॉब्लम करवा दी. लेकिन मैं 6.1 का आपको अभी क्वेश्चन नंबर 26 करवा रहा हूँ. 6.1 का क्वेश्चन नंबर 26. अब देखिए, इधर अ मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड a board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and third length is twice as long as the shortest. What are the possible length of shortest board या third piece which is to be at least 5 centimeter longer than the second. What is the possible length of girl gift? What are the possible length of the shortest board? The shortest board is third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. ये हमें निकालना है. अब देखते हैं बेटा किस तरह से करेंगे इसको. द
भाई जो भी बात कर रहा है वो शॉर्टेस्ट बोर्ड की रेस्पेक्ट में कर रहा है। ध्यान से देखो, तीन बोर्ड है, सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड का लेंथ है 91, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो मैं शॉर्टेस्ट बोर्ड को मान लेता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, लेट द, देखो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ मैंने क्या मान लिया? 8 सेंटीमीटर मान लिया। तो हमारा सेकंड लेंथ आ गया बेटा x प्लस 3, और थर्ड पीस आ गया हमारा, ये आ गया 2x सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। शॉर्टेस्ट लेंथ हमारा x सेंटीमीटर आ गया, और थर्ड पीस आ गया हमारा 2x सेंटीमीटर। अब ये आपका 91 है भाई मैक्सिमम, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91, 4x इज लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 मतलब 88, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, x का वैल्यू 22 या उससे कम। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. x का वैल्यू 22 या उससे कम। अब मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, बाकी अब हमें कोई मतलब नहीं है बाकी लाइन्स। अब देखो इस लाइन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट बोर्ड की थर्ड पीस क्या है हमारा? 2x is to be at least मतलब greater than equal to 5 centimeter longer मतलब 5 plus second कितना है? x plus 3। या इस वाली लाइन से पता चल रहा है थर्ड पीस मतलब 2x is at least मतलब greater than equal to 5 centimeter longer मतलब 5 plus और second length क्या है? x plus 3। ये समझ में आया? ये inequality समझ में आई बेटा? Yes sir। अब x को इधर लिया हो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 22, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22, सो द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम होगा। अब क्योंकि आज संडे है तो बस अपन इतना ही कर लेते हैं। अब आपका काम ये है, बस 3-4 क्वेश्चन करने हैं आपको भाई। 10 से 20 तो करना ही था कल, 21 22 23 24 25, 26 मैंने करवा दिया, तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई बेटा। 21 22 23 24 मतलब 11 से 25 तक आपको भेजना है होमवर्क, 11 से 25 तक आपको होमवर्क भेजना है। और बेटा एक रिक्वेस्ट है, मैंने वैसे भेज दिया था तुम्हें, जिन जिन की फीस नहीं जमा है प्लीज बेटा अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा दीजिए, ठीक है? जिन्होंने एक भी नहीं करवाई है वो भी जमा करवाइए, और जिनकी बाकी है वो भी जमा करवाइए, ठीक है? और ये मेरे को 11 से लेकर 25 तक बेटा आप कल की क्लास से पहले भेज देना। ये वाला होमवर्क आप 7 बजे पहले भेज सकते हो, क्योंकि ये इवनिंग का होमवर्क, दिन का होमवर्क दिन में आपको एक्सरसाइज 1.2 करनी है बेटा, दिन के लिए आपको वहां एक्सरसाइज 1.2 करनी है, ठीक है बेटा? कल 1.2 पहले डिस्कस करेंगे 2 बजे वाली क्लास में, और इवनिंग में 11 से 25 तक आपको करना है। क्लियर है बेटा?
यस सर। अब आज संडे एंजॉय करो ठीक है ना। यस सर। मैं भेजता हूँ थोड़ी देर बाद है ना।